बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कर जो जानकारी है वो बहुत ही खास जानकारी है, लेकिन किसान भाई बहन मन जानकारी लेकर आगे चलू, हमरे चलत ही आगे देख लेवत ही कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी मिशन द्वारा राज्य में चलाई जा रही है संरक्षित खेती योजना। पशुओं में कृमि का इलाज समय पर कराएं। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टीलर। किसान भाइयों, आजकल संरक्षित खेती द्वारा कई प्रकार की फसलें समय से पहले या विपरीत मौसम में उपजाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा रहा है। यदि आप भी संरक्षित खेती कर लाभान्वित होना चाहते हैं तो इसके लिए संरक्षित खेती योजना का सहयोग ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रीन हाउस, नेट शेड हाउस या फूल और सब्जी लगाने के लिए पौध रोपण सामग्री इत्यादि के लिए बागवानी मिशन अनुदान देती है। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पान में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती हैं। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने से पशु की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्मंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है, साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। किसान भाइयों, इस समय अन्य सब्जियों के साथ खीरा हमारे यहाँ प्रमुखता से लगाई जाती है। जो किसान खीरा लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण अगेती नामक खीरे के प्रभेद लगाएं। निश्चित तौर पर उन्हें लाभ होगा। स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण अगेती ये खीरा के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख माने जाते हैं। ये किस्में झारखंड की मिट्टी और जलवायु में बेहतर उपज प्रदान करने में सक्षम है। खेत की तैयारी कर 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 80 से 120 क्विंटल तक खीरे की उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोगों के लगने की संभावना रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा बुखार लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं की स्थिति गंभीर हो सकती है। ये रोग पशुओं को ना लगे इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। पशुपालक बरसात आने से पहले अपने पशुओं को HSPQ का टीका अवश्य लगवा दें। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टीलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। ये है पावर टीलर। खेत में ये उपकरण किसानों की बहुत तरीके से मददगार साबित होता है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टीलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि मास्क का और सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं, साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के, हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन की जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांच कर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का
काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान देश की शान। किसान भाई बहन मन, चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती। सामूहिक कृषि कार्य से किसान मन के का फायदा हुएला, इकर बारे में जानकारी तो बहुत खास जानकारी है कि देखो एगो कहावत है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, एक तरह और मन जानवे करीला। तो इकरे पर है आधारित हम चलू अपन कार्यक्रम का और आगे बढ़ाते और जानकारी देवे कि देखो आगे का रहें कि किसान मन एकला एकला काम करत रहें, आज समूह में काम करत हैं और सरकार से बैंक से इमन के फायदा भी हुआ था। और बिचौलिया कर जो बात रहे कि बिचौलिया मन इमन कर बीज कर फायदा खात रहें, अब वो बात खत्म हो गलक, अब सीधा मुनाफा किसान के पास जाए। तो इकरे में खास जानकारी ले हमरे चलो सीधे चला थी KVK रामगढ़ और जो डॉक्टर साहब हैं उनका नाम इंद्रजीत जी, उनकर से जानकारी लेवा थी। भारत में कृषि के लिए कई तरह की प्रणाली का चुनाव किया जाता है जिसमें किसानों को लाभ मिल सके। सामूहिक कृषि भी आज किसानों के लिए सीधा लाभ का स्रोत बन गया है। हालांकि सामूहिक कृषि प्रणाली कोई नई कृषि प्रणाली नहीं है बल्कि प्राचीन समय से चली आ रही है। सामूहिक कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान भाई मिलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। समय के साथ साथ कृषि में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। यह युग कहें कि समय की मांग हो गई है बदलाव, क्योंकि अगर बदलाव नहीं हुआ तो हमारे देश में जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के अन्न का जो मांग है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो लोगों के अन्न की मांग को पूरा करने के लिए आज नए नए तरीके से कृषि कार्य की जा रही है। तो इसी कड़ी में वहाँ पहुँचे हैं रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड में और हम यहाँ पर उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र मांडू में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रजीत कुमार जी हैं। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत किसान भाइयों नमस्कार। हम बात करते हैं सामूहिक खेती, सामूहिक तरीके से खेती में क्या बदलाव आ रहा है और सामूहिक खेती कहते किसे हैं? हम किसान भाइयों आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, सामूहिक खेती का सीधे से अर्थ है कि कई किसान मिलकर एक साथ खेती करते हैं। और जैसे अभी आजकल प्रथा आ गई है कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा खेती करना, किसान उत्पादक समूह बना करके खेती करना, इस तरीके से स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 महिलाएं और किसान उत्पादक समूह में 30 लोगों का समूह होता, 30 समूहों का किसान उत्पादक समूह होता है जिसमें 100 से 1000 तक किसानों को जोड़ा जाता है। किसान उत्पादक समूह द्वारा खेती करना, स्वयं सहायता समूह द्वारा खेती करना, इसका सीधा सा अर्थ है कि एक से अधिक जब किसान मिल करके एक साथ एक तरह की खेती करते हैं तो वह सामूहिक खेती कहलाता है। वर्तमान में किसान सामूहिक रूप से खेती करके आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। पहले जो किसान कम भूमि में सीमित खेती कर रहा था, वही अब किसान सामूहिक रूप से खेती करके अच्छा लाभ कमा रहा है। उनकी आमदनी भी कई गुना तक बढ़ गई है। इस बदलाव का व्यापक असर अब आसपास के किसानों पर भी पड़ने लगा है। किसानों को इससे बड़ा मुनाफा मिल रहा है। सामूहिक खेती में बहुत तरह तरह के बदलाव आ रहे हैं जिससे हमारे यहाँ किसान आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, नई नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। अभी आपसे हमने चर्चा किया किसान उत्पादक समूह बना करके खेती करना। किसान उत्पादक समूह बनाने से किसानों को हम बताना चाहेंगे उनका फायदा यह है कि नाबार्ड द्वारा उन्हें यदि उनका किसान उत्पादक समूह FPO स्वयं सहायता समूह नाबार्ड में रजिस्टर्ड हो जाता है, वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के खेती करने पर जैसे उद्योग चलाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, प्रसंस्करण यूनिट बैठाने के लिए और नई तकनीक से खेती करने के लिए यंत्र खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार की उन्हें सब्सिडी पर यंत्र भी उपलब्ध हो जा रहा है और नाबार्ड द्वारा एक मुफ्त राशि उनको लोन पर 25% और 50% की सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे वह नई नई मशीन खरीद करके अपने खेतों में अच्छे से तकनीकी से कार्य कर सकें। सामूहिक कृषि से किसानों के फायदे के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रजीत बताते हैं कि किसान अगर सामूहिक रूप से खेती करे तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं वो जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो नई नई मशीनों का उपयोग अपने खेत में करते हैं। अभी आजकल आप देख रहे हैं तरबूज की खेती मल्चिंग विधि द्वारा कर रहे हैं और टमाटर की खेती, आम की खेती, बैंगन की खेती लार्ज स्केल पर समूह में कर रहे हैं। पहले वो क्या करते थे, छोटे छोटे खेतों में करते थे, लेकिन आज भी छोटे छोटे खेतों लेकिन एक साथ उनको समूह में मिलाकर करने से
उनका बाजार व्यवस्था उनको मिल जाती है एक साथ, क्योंकि जब उनका रजिस्ट्रेशन उत्पादक समूह नाबार्ड में हो जाता है, उत्पादक समूह में का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो अपने उत्पाद को वो जो है जो उनका लैंड लेबर कैपिटल भूम समय और श्रम एक साथ जब एक साथ एक जगह लगता है, तो जैसे कि जो उत्पादक समूह बनाया गया है उसमें कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट होता है, कोई बाजारी व्यवस्था देखता है, कोई बीज लाने का एक्सपर्ट होता है, तो उनका खर्च भी कम आता है और उनका जो उत्पाद है बहुत अच्छी जगह अच्छे बाजार में भी, क्योंकि वन नेशन वन मार्केट आज हो गई, वो अपना उत्पाद कहीं भी किसी बाजार में बेच सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी किसी जिले में किसी राज्य में जाकर के बेच सकते हैं, और उनको इंटरनेट के माध्यम से पता चल जा रहा है कि हमारे उत्पाद का कहां पर अधिक मूल्य मिल सकता है। इस तरह से हमारे किसान भाई आज आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनते जा रहे हैं। आज की स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक समूह का आज मांग है, क्योंकि हमारे खेत जो है आज छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए हैं। जब हम इनको इकट्ठा करके एक साथ समूह में खेती करेंगे तो हमारे ये उत्पादन भी अधिक होगा और हम अच्छी मार्केट से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। रामगढ़ जिले में सामूहिक कृषि कर रहे किसानों में बड़ी मात्रा में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही वैसे किसान जो नाबार्ड में पंजीकृत हैं वो किसान भी इस सामूहिक खेती से जुड़कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। सामूहिक रूप से खेती करने के बाद जैसे हमने आपको बताया, यदि वो सामूहिक खेती करेंगे जैसे उनको बिचौलियों से छुटकारा मिल जाएगा। जो बिचौलियों उनका अभी जो वन नेशन वन मार्केट की बात हम किए, क्योंकि जो बिचौलियों उनका सामान खरीदते थे, उनको उत्पाद खरीदते, उनका सब्जी खरीदते थे, वो अब सीधे मार्केट में ले जा करके जो बिचौलियाँ उनका उनके उत्पादन का बीज का हिस्सा ले लेते थे, वो बिचौलियों, चूँकि अभी हम देखते हैं कि वहीं पर सब्जी का बिचौलिया 5 रुपये में खरीद करके 10 रुपये में और 15 रुपये में बेचता है, जो कि किसान हमारा 4 से 6 महीने तक परिश्रम करता है वो 5 रुपये पाता है, और बिचौलिया 1 घंटे में 5 रुपये कमा लेता है, सीधे ले जाकर खरीद करके 10 रुपये में बेच लेता है। तो वो जो बिचौलिए का है, हमारी माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है उस योजना से बिचौलियों का काम खत्म हो रहा है। अब सीधे जहाँ पर अधिक मूल्य मिल रहा है वहाँ हमारे किसान भाई ले जा करके अपना उत्पाद बेच करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आमदनी को सीधे बढ़ा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को जो है निश्चित तौर पर साकार करने का वो सामूहिक कृषि से जुड़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, कृषि में काफ़ी बदलाव हो रहा है, जैविक कृषि की ओर हमारे किसान जो अग्रसर हो रहे हैं, टपक सिंचाई आ रही है, मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं और नए नए तकनीक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो सामूहिक जो कृषि कार्य जो हो रहा है इन तकनीकों से किस तरीके से वो लाभान्वित हो रहे हैं और उत्पादन बढ़ा रहे हैं और स्वावलंबी बन रहे हैं? अब नई नई तकनीकों का प्रयोग करके हमारे किसान भाई कोई संदेह नहीं इसमें कि आगे नहीं जा रहे हैं, वो बहुत आगे जा रहे हैं। मतलब आज के 5 साल हम पहले पीछे देखें तो कोई तकनीक ऐसी नहीं थी, आज की मल्चिंग तकनीक है, प्रोट्रे विधि है, जिसके द्वारा वे तूफान और आंधी भी आए तो अपना प्रोट्रे में गाछी उत्पादन करके बेमौसमी सब्जियों को आसानी से उगा सकते हैं और वे अपने एक जो सोच रहे हैं उस लाभ को उससे अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन मन बताओ, ये जानकारी कैसे लगलग भाई? बढ़िया है ना, ई रौरे में तो खास रहबे करी। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी, और भी कार्यक्रम वो जानकारी भी बहुत सुंदर है, बहुत बेस है, काल की जल कर महत्व और जल संरक्षण कर बारे में जानकारी, ये दुए जानकारी, जल कर महत्व तो रौरे में जानबे करीला और जल संरक्षण करे कर भी बहुत जरूरी है, तो ये दुए जानकारी है। तो सीधे चलो हम चला थे अपन विशेषज्ञ के पास, बी के झा जी के पास, और उनका से जानकारी लेवा थी। अगर हम सजीव जगत की बात करते हैं तो सजीव जगत में जल का बड़ा ही महत्व है, इसलिए कहा भी जाता है जल ही जीवन है और जल है तो कल है। जल के बिना सजीव जगत की परिकल्पना ही अधूरी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा झारखंड जो है कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में जल के बिना खेती करना भी नामुमकिन है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा भी दिया है, गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में। इन सारे विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम आप पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू में, और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर बीके झा जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि जल संग्रहण एवं संरक्षण का महत्व। किसान भाइयों, खास करके जल संग्रहण हो या जल संरक्षण हो, यह दोनों पहलू हमारे मानव जीवन के लिए, और जैसे अभी चर्चा हो रही थी जल है तो जीवन है, तो उसके आधार पर हम अगर देखें तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो जल संग्रहण हो चाहे जल संरक्षण हो। जैसे अभी अब चर्चा हो रही है जल संग्रहण की, तो निश्चित तौर पे किसान भाइयों, हमारी जो झारखंड की प्रदेश है उसमें आप देखेंगे ये हमारी पठारी नुमा क्षेत्र है, तो इसमें पठारी क्षेत्र होने के कारण क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी बारिश होती है
झारखंड प्रदेश में लगभग साल भर की जो औसतन बारिश है 1200 mm होती है। तो यह जो हमारा बरसात का समय होता है तो इसमें जो हमें जल संरक्षण की जो है पद्धति है वह हमें मालूम होनी चाहिए। तो खास करके जो हम जल संरक्षण करते हैं तो जल संरक्षण जो हमारे जैसे कि आपके ये पठारीनुमा क्षेत्र है इसमें जैसे हम जल संरक्षण करते हैं तो जैसे हमारे कोई प्राकृतिक कोई जलाशय है तो वह हमारे भूभाग में जो निचली क्षेत्र है तो वहाँ पे उस जो हमारे प्राकृतिक तो वो हमारे जलाशय है तो वहाँ पे हम जल को इकट्ठा करें तो वो जल जो हमारी इकट्ठा होती है तो वो हमें बाद में हमें कृषि के कार्य में हमें इस्तेमाल हो जाती है। जैसे हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो खास करके जैसे हमारे खेत हैं तो खेत में जैसे हम मेड़ ऊंची कर लेते हैं तो उसमें पानी का जमाव जो बरसात का होता है तो वो हमारी जो रन ऑफ को चेक करती है और वो हमारे ज़मीन में उसका पानी का जो है परकुलेशन होता है वो नीचे हमारी ग्राउंड वाटर तक वो हमारी मिट्टी को ट्रिप करती है ताकि ज़मीन में हमारी संरक्षण जो हमारी जल है वो संरक्षित रहती है। अन्यथा हम सब जैसे किसान भाई देखते हैं कि हमारे पठारनुमा क्षेत्र है तो इसमें खास करके जैसे हम सब कंटूर की बात करते हैं तो कंटूर प्लॉइंग है या कंटूर हमारी रिजेज है मेड़ बना देते हैं या हमारी टेरेसेस ऐसी बनाते हैं ताकि पानी हमारे ज़मीन पे ज़्यादा देर तक रुके ताकि हमारा जो ज़मीन है वो सैचुरेट हो सके। तो खास करके इनसे यह भी फ़ायदा होता है किसान भाइयों, एक तरफ तो हमारी जल संग्रहण होती है जो हमारे कृषि कार्य में काम आती है या जलाशय में इकट्ठा होती है तो हमारे मानव जीवन के लिए भी काम आती है सिंचाई के साथ साथ, और दूसरी बात यह होती है खास करके जब हम यह मिट्टी के या हम जब जल का संरक्षण करते हैं तो इसमें जल संग्रहण में क्या हो रहा है कि इसमें हमारा जो पानी बह के जाता है जो हमारी रन ऑफ होती है तो उसमें हमारी मिट्टी की बहुत ही उर्वरक जो क्षमता होती है हमारे पोषक तत्व होते हैं वह भी बह के चले जाते हैं और यह कभी कभी अत्यधिक रन ऑफ होने से क्या होता है जैसे पानी आप इकट्ठा ना कर रहे हो अपने क्षेत्र में तो वो पानी एक बाढ़ का भी रूप ले लेता है। तो जल का समुचित अगर हम संग्रहण करें तो उससे इससे यह फ़ायदा यह होता है कि हमारी ग्राउंड वाटर जो है वो भी इनरिच होती है उसकी भी क्वालिटी इम्प्रूव होती है और साथ में हमारे पास पानी की भी मात्रा रहती है जो हम कृषि कार्य में भी इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि संग्रहण संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर हम अगर हाल के दिनों की बात करते हैं तो हमारा देश जो है काफ़ी तेज गति से शहरीकरण हो रहा है, लोग का पलायन हो रहा है, गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, निश्चित तौर पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बन रही हैं, सड़कों का पक्कीकरण भी हो रहा है, तो लोगों का मानना है और जो हाल में जो रिसर्च के रिपोर्ट आए हैं तो जितना पानी रिस्क जाना चाहिए था ज़मीन में पक्कीकरण होने के कारण वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या ऐसा उपाय करें कि जो है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो अधिक से अधिक चार्ज हो सके। किसान भाइयों खास करके इसमें जैसे हम सब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें जल संग्रहण का आप यह समय कि समझें कि जल की जो मात्रा है हमारे जो भी खुला क्षेत्र है हमारा तो उसमें क्या होता है कि पानी जो है हमारा वो धरातल पे हमारी उस पर धरातल पे टिके ताकि वह पानी जो है नीचे जा सके। दूसरी जो हम वाटर हार्वेस्टिंग जो जल संग्रहण की बात कर रहे हैं तो यह दो तरह का होता है, एक तो होता है लैंड जमीन की जो हम संग्रह करते हैं और दूसरी जैसे अभी अर्बन क्षेत्रों की बात हो रही है तो उसमें जैसे हमारे रूफ़ वाटर हार्वेस्टिंग होती है घरों के छत पे, तो आप जैसे घरों के छत पे जो वर्षा होती है उसकी जल को भी हम इकट्ठा करें और वह हम पाइपलाइन के माध्यम से जो इसकी सोकपिट होती है वहाँ हम डालें तो यह भी हमारी वाटर हार्वेस्टिंग की है। खास करके हम सब ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे अभी बात हुई कि खेत का पानी अगर खेत में रहे तो यह हमारे लिए अच्छा होता है, साथ में जैसे कि हम संरक्षण की बात करें जल संरक्षण की, यह तो जल संग्रहण हो गई और अगर हम जल संरक्षण की बात करें किसान भाइयों तो जल संरक्षण में हमारे पास कई तकनीक होते हैं, एक तो होती है क्या कि आप खेती की किस तकनीक लेते हैं, सिंचाई का क्या प्रबंधन लेते हैं, तो उसमें खास करके जैसे कि आप अगर टपक विधि सिंचाई ले रहे होते हैं यह हमारी जो है जल संरक्षण है। तो जल संरक्षण में क्या होती है कि आप पानी की निश्चित मात्रा इस्तेमाल करते हैं और खास कर जैसे कि इसमें आप मल्चेस का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होता है पानी की मात्रा जो होती है और जो खास करके इरोजन होता है वो चेक होता है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस आपकी जल संरक्षण की माध्यम ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आपके खेती के उन्नत तरीके हों, जिसमें कि आप फसल चक्र का भी अपनाएं, जैसे कभी ज़्यादा जल आवश्यकता वाली फसल आप ले लेते हैं तो आगामी फसल जो है जो ऐसी फसलें लें खासकर जैसे आप धान लेते हैं तो धान में या गेहूं में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके बाद जैसे आप फसल लेते हैं दलहनी तलहनी जिसमें कि पानी की कम आवश्यकता होती है, तो इस तरह से जल संरक्षण की जो कृषि तकनीक है उसको अपना करके जैसे मैंने कहा कि जो उन्नत विधि है जल प्रबंधन की तो वह उसको अपनाएं
तो किसान भाइयों, जल की संरक्षित मात्रा जो है हमारे पास, चाहे वो संरक्षण से हो चाहे संग्रहण से हो, तो हमारे ये मानव जीवन के लिए काफ़ी कल्याणकारी रहेगी और आने वाले जो हमारे जनरेशन हैं उनके लिए भी पानी की उपलब्ध मात्रा जो है वो सुनिश्चित रहेगी। तो बताओ आज करी दुई जन के रोमन की कैसे लागल भाई, बेस है नहीं? तो कहे कर मतलब है कि अगर ईसन जानकारी कोई रोटीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या 834001। तो रोरमन से इजाज़त लेवे कर आगे एक और जानकारी देवे के है कि देखो कोरोना महामारी अखन ख़त्म नहीं होलक, अखन हले है, से ले कहती कि रौरे अपन सुरक्षा करूँ, अपन छुआ मन के सुरक्षा करूँ, मास्क जरूर पिंधू, सैनिटाइजर साबुन से हाथ के जरूर धोऊँ और 2 गज कर दूरी के बनाए के रखू। ये बात के रौरे याद रखब और आज रौरे में से इजाज़त लेवा थी मकिल, हाँ यह दिन और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित होब, तब तक इजाज़त देव, नमस्कार जोहर। हम भी जो की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन, कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।